नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और सामुदायिक शौचालय से रिलेटेड ताज़ा खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयर टेकर महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि अब अगर उनको वेतन समय पर नहीं मिलता है तो सेक्रेटरी को भी समय पर वेतन नहीं दिया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अम्बेडकर नगर के बारे में। अम्बेडकर नगर में पंचायतों में स्थित सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील करने में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने जिले के सभी 152 ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों का 1 जून से 10 जून तक का वेतन रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने इस संबंध में खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि जब तक दिए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तब तक वेतन भुगतान ना करें। जिला पंचायत राज अधिकारी अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 8, 9 और 10 जून को समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। समीक्षा के दौरान पाया गया था कि सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अपनी तैनाती की समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों को क्रियाशील न करते हुए कंप्यूटर और फर्नीचर की खरीद नहीं की गई है। इसके साथ ही पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्तमान माह तक का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है तथा सभी पंचायत सहायक ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से उपस्थिति नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि समस्त ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय को अभी तक क्रियाशील नहीं किया जा सका है। इसे समूह को हैंडवर्क करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक मानदेय व रखरखाव की धनराशि नहीं दी गई है। इससे कार्यों को संपादित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों का दिनांक 1 जून से 10 जून तक का वेतन रोकने का अनुरोध किया गया है। डीपीआरओ ने कहा कि जब तक उक्त सभी कार्य सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पूर्ण करते हुए ई ग्राम स्वराज पर भुगतान की गई धनराशि के वाउचर को फोटो कॉपी सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना है, जिससे रोके हुए गए वेतन को आहरित करने की संतुति की जा सके। उन्होंने कहा कि उक्त दिवस का वेतन रोकते हुए पेरोल माह जून दिनांक 25 जून तक अनिवार्य कार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। सभी सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयर टेकर महिलाओं को यह जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि अब उनका वेतन उन्हें समय पर मिलने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि डीपीआरओ द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं। अगर सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयर टेकर महिलाओं को सैलरी समय पर नहीं मिलती है तो सचिव के जो सैलरी है उसे भी रोक दिया जाएगा। जिस एरिया में सचिव और प्रधान अपनी मनमानी करते थे अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सामुदायिक शौचालय में किसी को भी सैलरी समय पर नहीं मिलती है तो सेक्रेटरी का जो वेतन है उसे रोक दिया जाएगा और जब तक उसका निवारण नहीं होता तब तक उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।